हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम जा रहे हैं ओल्ड गोवा से पैंजिम की तरफ। जैसे मैंने आपको हमारे पिछले वीडियो में ओल्ड गोवा का पूरा कंप्लीट टूर करवाया, अभी हम जा रहे हैं पैंजिम। तो पैंजिम में जो सबसे फेमस चर्च है, आवर लेडी ऑफ इमाकुलते कंसेप्शन चर्च गोवा, नोन एज क्राउन ऑफ पैंजिम। तो ये काफ़ी फेमस चर्च है, और यहाँ पे जाने के लिए जैसे एक दिन के अगर आप टूर करना चाहते हो ओल्ड गोवा, अगर आपको कवर करना है ओल्ड गोवा प्लस पैंजिम, तो इट इज़ हार्डली 20 मिनट्स एंड 12 किलोमीटर्स फ्रॉम ओल्ड गोवा टू पैंजिम चर्च। ओके, सो लेट्स मूव अगेन। मैं ये एडिट नहीं करने वाला था, बट आई लव दिस सीनिक ब्यूटी, सो मैंने ये आप लोगों के लिए रखा है। अगर आप लोग आओगे तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देख के ज़रूर पैंजिम आओगे, ओल्ड गोवा चर्च के लिए के तरफ आओगे। और आप अगर आ चुके हो तो एक बार आप ज़रूर रिपीट करोगे। मैं पहली बार आया था इसीलिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और बट जब मैं रिपीट कर रहा हूँ तो भी मैं उतना ही उससे डबल एक्साइटेड हूँ कि आई लव दिस प्लेस वेरी मच। और ये एक साइड पूरा कोस्टल है, ये मांडवी रिवर के उस तरफ, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे भी काफ़ी सारी चर्चेस हैं और फेरी बोट से आप आ जा कर सकते हो। ये मैंने जानबूझ के ऐड किया है इस क्लिप को, बिकॉज आप देखिए इसको फिर से एक बार देखिए, और आई एम श्योर अगर आप देखोगे तो आप आओगे। अगर आप खुद को प्रॉमिस करोगे कि मैं गोवा जाऊंगा तो 100% आप जाओगे। और अभी यहाँ पे जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि RT-PCR इज़ नॉट कंपल्सरी, दैट मच अगर आप करके आ रहे हो तो आपको लाइन में खड़े रह के एंटीजन करने की ज़रूरत नहीं है। मगर अगर आप RT-PCR रिपोर्ट नहीं ला रहे हो तो आपका यहाँ पर एंटीजन होगा ही, एंटीजन टेस्ट होगा रेलवे स्टेशन पे, और एयरपोर्ट पे RT-PCR इज़ कंपल्सरी। ये बोट निकलती है पेडाडे के उस तरफ जाने के लिए, मे बी सम स्पेलिंग मिस्टेक। सो चलते हैं आगे, मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। ये बंगलो देखिए, सुपर्ब। और काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ ने यहाँ पे बंगलोज लिए हैं, जैसे हमको बाद में पता चला कि काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने इस तरफ इस ओल्ड गोवा में बंगलोज लिए हैं फेसिंग टू दी। बताऊँ फ्रेंड्स, आप जब नेक्स्ट टाइम आप यहाँ पे आओगे और काफ़ी सारा धमाल कीजिए आप गोवा में आके। गोवा इज़ ओपन, ऑलमोस्ट 30-40% क्राउड आ चुका है। कसिनोज एज सच कसिनोज क्लोज हैं, और डिस्क सारे क्लोज हैं, बट कुछ डिस्क चल रहे हैं अभी, जैसे कर्लीज वगैरह स्टार्ट हो चुका है, मैम्बो स्टार्ट हो चुका है, दैट इज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। सो लुक एट द स्ट्रक्चर, माई गॉड, सुपर सुपर। देखिए एंट्रेंस देखिए। सो जितना भी अगर आप जितने बार भी आप गोवा घूमते हो, ये गलियों में आप घूमते हो, सो आपको हर टाइम कुछ नया फील मिलेगा, कुछ नया एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ आने के बाद मुझे वो गलियाँ गलियाँ तेरी गलियाँ, वो जो गाना है वो बार बार मेरे दिमाग में घूम रहा था। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल व्यू, वेरी ब्यूटीफुल सीनिक ब्यूटीज़। और आप लोग आइए और इसको डीप में एक्सप्लोर कीजिए। गोवा सिर्फ ऊपर ऊपर से क्लब और पब के लिए नहीं है, गोवा में काफ़ी कुछ है, बस काफ़ी कुछ है गोवा में। मतलब कि नेचुरल ब्यूटीज़ है यहाँ पे, यहाँ पे काफ़ी रिवर्स है, हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर है, पोर्तुगीज़ का बहुत सारा आर्किटेक्चर्स है, चर्चेस है, और बीचेस हैं, पार्टीज़ भी हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं काफ़ी कुछ में। सो अपना शैतानी दिमाग मत लगाना काफ़ी कुछ के लिए। सो दैट साइड वो वाला जो चर्च आप सामने देख रहे हो, वहाँ पे भी मैं जाके आया हूँ। सो इट्स ऑसम चर्च, काफ़ी ब्यूटीफुल है। सो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसकी भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। वहाँ पे मलंग का शूट हुआ है, द एंट्रेंस देखिए। आज मौसम भी काफ़ी सुहाना सुहाना मौसम था, है और हम जा रहे हैं, और ये जो खुशबू है यहाँ पे, ओह माय गॉड, आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। हाँ, पिक्चर टॉक 1000 वर्ड्स एंड द वीडियो टॉक 1 लाख वर्ड। सो आप लोग आइए, प्रैक्टिकली एक्सप्लोर कीजिए। वंस अगेन, गोवा गवर्नमेंट को सपोर्ट कीजिए, इंडियन टूरिज्म को सपोर्ट कीजिए, और अपने आप को ग्रो कीजिए। सो मैं अभी आपको लेके जा रहा हूँ पंजिम, ऑलमोस्ट हम पहुँच गए हैं। ये ब्रिज से स्ट्रेट अगर आप जाते हो तो यहाँ पे कदम्बा बस स्टॉप है, वहाँ से काफ़ी सारी कनेक्टिविटी आपको मिलेगी साउथ गोवा जाने के लिए। और यहाँ पे काफ़ी सारे डेकोरेशंस होते हैं सीजन टाइम पे। सो ये दिस इज़ कदम्बा विच इज़ कनेक्टिंग टू नॉर्थ एंड साउथ। ये पणजी का काफ़ी बड़ा बस स्टॉप है, किसी ने आज करेक्ट किया, थैंक्स स्पेशली उनके लिए। सो दिस इज़ द मार्केट एरिया ऑफ पणजिम।
अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको पैंजिम का सिटी टूर भी हो जाएगा, आप देख सकते हो। काफ़ी हद तक अगर आप देखोगे तो बॉम्बे का जो कोस्टल एरिया है वो इससे मैच होता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट व्यू, ये जो चर्च आप देख रहे हो दिस इज़ द फर्स्ट व्यू व्यू मेरे लिए, क्योंकि मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ और पहली बार मैंने इस चर्च को देखा है। तो इस चर्च का नाम है अवर लेडी ऑफ इमाकुलते कंसेप्शन चर्च गोवा, और इसका जो नाम है, जैसे पैंजिम में सारे लोग इसको क्राउन ऑफ पैंजिम भी बोलते हैं, सर का ताज। सो दिस इज़ द स्ट्रीट जो काफ़ी फेमस है शूटिंग्स के लिए। और मैं अगर आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो यहाँ पे शाहरुख खान का जो जोश मूवी का शूट हुआ था उसके बाद से ये स्ट्रीट काफ़ी ट्रेंड में आ गया। मे बी उससे पहले काफ़ी सारे शूट हुए होंगे बट जोश के बाद ये जो स्ट्रीट है, ये चर्च है, ये प्लेस काफ़ी सारे प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स की डिमांड हो गई कि हमको यहाँ पे शूट करना है। सो दैट इज़ द मेन रीज़न। उसके बाद में आफ्टर जोश यहाँ पे काफ़ी सारी मूवी की शूटिंग हुई है, रॉकी हैंडसम, आशिकी टू, मर्डर, जहर, सिम्बा, गोलमाल सीरीज़। सो रोहित शेट्टी का तो फेमस स्पॉट है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे रोहित शेट्टी जी आते रहते हैं यहाँ पे शूटिंग के लिए। सो दिस इज़ द फुल व्यू। अगर मैं ऊपर साइड जाता था, जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड वो बंद किया हुआ है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया हो गया, अभी कोविड के बाद बैरिकेड्स ओपन हो जाएंगे। सो टॉप पे अगर आप जाते हो तो वहाँ से आपको पूरा पैंजिम सिटी दिखता है। फिर भी हम भी काफ़ी स्पॉट पे हैं, हाइट पे हैं, तो यहाँ से भी आपको काफ़ी सारे व्यूज़ आप अच्छे से देख सकते हो। हाँ, सो दिस इज़ द व्यू। अगर आप भी फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो ये एक्साइटमेंट रहेगा आपके अंदर। और हाँ, ये जो चर्च है, दिस इज़ द इस हरी में सेकेंड सबसे बड़ा जो बेल है, सेकेंड लार्जेस्ट बेल, वो इस चर्च में रखा हुआ है, दिस बेल इन एंटायर गोवा। ठीक है, सो 8 दिसंबर को यहाँ पे ये चर्च में कलर काफ़ी सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। तो 8 दिसंबर को पूरा जो चर्च है वो इवनिंग में लाइटों से भरा होता है और ज़बरदस्त होता है। तो स्पेशली मैं आपको बताऊँ तो ये जो लोकेशन है ये इंस्टाग्राम के लिए काफ़ी फेमस है, तो इंस्टा के लिए आपको भर भर के यहाँ से आप फ़ोटोज़ ले सकते हो, काफ़ी बेहतरीन फ़ोटोज़ मिलेंगे आपको। हमारे फ़ोटोज़ ऐसे ही आड़े तेड़े आते हैं, फोटोजेनिक फेस नहीं है हमारा, लोग कहते हैं। सो फिर भी ये देखिए, ये मेरा फ़ोटो है और बेस्ट है। और आप भी आइए आपके फ्रेंड्स के साथ। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। थैंक यू।